हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कर आगे हैं और मम्मी मेरे पैर में लगा रही है, रंग भर रही है। और आज है सावन का पहला दिन। सावन की आप लोगों के ढेर सारी बधाइयाँ। और भगवान भोलेनाथ आपको आपकी दुनिया में इसी तरह हरियाली लाते रहें, आप हमेशा मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। कभी कोई चीज़ की आपको दिक्कत या परेशानी ना हो। हम लोग तैयार होकर जाने वाले हैं काली माँ के मंदिर पर पूजा कराने के लिए। अब मेरा रंग भर गया है पैर में और मेरी सिस्टर का मम्मी लगा रही है रंग। करेंगे पहले आप लोग जाओ तब हम आएंगे घरों में सब लाकू लगा कर। देखिए हम तैयार हो रहे हैं। इधर कार्तिक बोल रहे हैं कि मासी हम भी जाएंगे, रुक जाइए। तो कह रहे हैं कि चलो तैयार हो जाओ। सो फ्रेंड्स, हम लोग तैयार होकर घर से निकल गए हैं पूजा के लिए और जा रहे हैं। और राम को यहाँ पल्लू मिल गया था भाई, तो ही लेकर जा रहे हैं। चलते हैं, थोड़ा 12:15 हो रहा है, 12 बजने वाला है। चले जाकर काली माँ का मंदिर खोलते हैं। सो गाइस, मैं ये पूजा वाला वीडियो में ज़्यादा वॉच ओवर नहीं करेंगे, नहीं तो आपको पूजा का मज़ा नहीं आएगा। आप लोग देखिए और शाम पूरा दिन मस्त हो जाएंगे ये वीडियो देखकर। आपको कोई भी दुख हो या तकलीफ हो, ये भजन सुनकर, ये गीत सुनकर, गांव में गाना बजाना सुनकर आपको बहुत ढेर सारा सुकून मिलेगा। और आप लोग देखिए, मैं आ गए हैं मंदिर पर। और मंदिर पर आए तब तक चाची तैयारियां कर कर रखी थी कुछ भी, देखिए सब लगा कर आसन वसन लगा दी थी, क्योंकि हम पैर और में रंग लगाने लगे मम्मी से तो थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी आना पड़ा। अब जा रहे हैं काली माँ के अंदर में पूजा करने। आप लोग देखिए और इंजॉय करिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में वॉइस ओवर करने से गाँव का फील नहीं होगा, नहीं गाँव का मज़ा आएगा। यहाँ पर भाई लेकर आ गए हैं जो ये माला पहनाने के लिए, तो एक माला भूल गए थे भाई मेरा। तो ये कह रहे हैं कि एक माला में ये दो माता की जो है मूर्तियाँ तो एक ही में डाल दीजिए। हम कह रहे हैं कि ठीक है डाल दो। तो वही भाई मेरा हेल्प करवा रहे हैं। और हम पूजा के, क्योंकि 12 बजे से ये पूजा स्टार्ट हो जाता है, 12 से ये अधिक हो रहा है, 12:15 हो रहा है। तो आप लोग देखिए गाँव में हम लोग कैसे पूजा कराते हैं, इंजॉय करिए। आप लोगों के यहाँ पूजा ये होता है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में कहीं भी गलतियाँ देखें तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश जरूर करूँगी। हर महादेव, हर शंभु। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर आप देखिए और पूरा मेरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। और बहुत ये वीडियो देखकर आपको सुकून मिलेगा, जो आपके दिल में बेचैनी है ये माता रानी और भगवान भोलेनाथ आपके बेचैनी, तकलीफ को, दुख को, दर्द को जरूर सुनेंगे, जरूर कम करेंगे। मगर ये पूरा मेरा वीडियो देख, पूजा के दिन इतनी तेज से हवा चल रही थी, इतनी तेज कि देखिए दीपक अखंड ज्योत जलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मगर हम भगवान से सिर्फ यही विनती करते हैं, भोलेनाथ अगर
पूजा कर रहे हैं तो मेरा ज्योत बुझेना, जब तक पूजा हुआ तब तक बुझेना, मेरा ज्योत नहीं बुझा। और देखिए यहाँ पर काली माँ के मंदिर पर अंदर आ गई है दीपक जलाने और अगरबत्ती, क्योंकि इतनी तेज़ी से हवा को क्या करें, हम भी परेशान हो गए थे। फिर लास्ट में थोड़ा सा देर बाद चाची बोली कि यहाँ पर ईंटा लगा कर और खड़ा ईंटा रख देंगे तो हवा से नहीं दिया बुझेगा, तो फिर ईंटा रखें। उसके बाद अब देखिए आप लोग देखिए, आपको सारे से ही पता चलेगा कि कितनी तेज़ी से हवा चल रहा था। और अब होने जा रहा है पूजा स्टार्ट, अभी तो सारी औरतें नहीं आई हैं, अभी आएंगी। फ्रेंड्स अब आरती होने वाली है, तो पहले यहाँ पर डांस हो रहा है, चाची मुझे कर रहे हैं डांस करने के लिए। मुझे डांस आता नहीं है मगर थोड़ा मोड़ा इसी तरह कर दे रहे हैं, मुझे डांस Oh,
और ये पूजा भोलेनाथ का मेरी मम्मी ने करवाई है, क्योंकि मेरे पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, वो आईसीयू में भर्ती थे, उनका कुछ नहीं होश ना ख्याल था, तो वही कहीं कि भोलेनाथ मेरे जब पति ठीक हो जाएंगे तो हम पूजा करवाएंगे, तो मेरे पापा जब ठीक हो जा गए थे तो उसके बाद मम्मी ये पूजा करवाई है। यहाँ पर पूजा हो गया है, प्रसादी सबको देना है, प्रसादी दिया जाता है गाँव में इसी तरीके से, कि यहाँ कैसे होता है कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे गांव में तो इसी तरह होता है और हर जगह तो अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं, मगर पूजा तो एक ही है, मगर उनकी कुछ गाइस। आजकल ये मूर्तियों में कोई विश्वास नहीं करता, मगर जो नहीं विश्वास करते हैं ये देख लीजिए, चीनी रखा था इसमें, पूरा ओम बना था चीनी पर, ये मेरे कैमरे में तो नहीं आ पाया साफ, मगर हम लोग देखें ये पूरा ओम बना था, और भोलेनाथ का पूरा ओम जानते हैं क्या है, भोलेनाथ का पहचान है ओम, तो पूरा ये चीनी पर ओम बना था, एकदम पूरा बिल्कुल पहचान में आ रहा था। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, आज भी भगवान कड़ कड़ में बसे हैं, आप लोग मन से श्रद्धा से भक्ति से भाव से बुलाएंगे तो भगवान जी आपका पुकार आपको भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। और देखिए हम पूजा हम लोग करा रहे थे, इतनी तेज़ी से हवा चल रहा था, कि क्या बताएं, दिया बारना मुश्किल हो गया था, मगर मेरा दिया नहीं बुझा बस, क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास है और मेरा विश्वास कभी भगवान टूटने नहीं देंगे, क्योंकि मैं कोई भी पूजा पाठ करते हैं भक्ति से भाव से श्रद्धा से करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप पूजा करते हैं कि हमको ये चाहिए और वो चाहिए, नहीं, आप पूजा करिए आपको तो भगवान जो देना रहेगा आपके नसीब में रहेगा तो उतना तो मिल के ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, नहीं कोई छीन सकता है। यहाँ पर हम लेकर जा रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने, देखिए ये क्योंकि इसमें भांग सब की चाची पता नहीं क्या क्या डाली थी, तो करें कि ये शंकर भगवान के मंदिर में गिराया जाता है, तो ये हम आ गए हैं मंदिर में गिराने के लिए। यहाँ पर मेरा बाबू का पूजा कराए थे, जो सोने का आँख लगवाई थी मेरी सिस्टर, ये मंदिर में लगवाई थी। देखिए आगे ये शंकर भगवान का मंदिर है जो मेरे गांव में ही है, तो हम धार जो है जल उसमें गिरा कर और सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकर उसके बाद जाएंगे घर, क्योंकि मेरा आज व्रत है, सिर्फ मैं चाय और मेरा मम्मी रस बना कर दी थी वही पी है और खाना नहीं खाए, आज समय का ये 5 बज रहा है 5 बज गए, और जो अगरबत्ती का धुआं रहता है पूरे मेरे ही चेहरे पर आ रहा था, इसलिए देखिए मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया है धुआं धुआं से। चलिए घर जाकर आप लोगों से मिलते हैं।
फ्रेंड्स, पूजा समाप्त हो गया है और हम लोग आ गए हैं घर। देखिए इतना लू इतना नहीं चला, बहुत तेज़ी से हवा चला था। जो अगरबत्ती है पूरा उसका धुआं मेरे ही ऊपर आ रहा था, एकदम मेरा चेहरा पूरा काला हो गया है। हम घर आ गए हैं, जस्ट अभी कुछ खाए हुए नहीं थे, अब मुझे खाना भी नहीं था क्योंकि हमें व्रत थे और पूजा में बैठना था हमीं को, इसलिए हम खाना वाना नहीं खाए थे। बरसाती में लाई और ये इसमें लड्डू है, लचीदाना है, और ये चने में थे, पूरा एक गिलास मम्मी दिए पीने के लिए। चाय अमृत पी लें, देखिए थोड़ा सा बर्फी खाकर पानी पियेंगे, आराम करेंगे। थोड़ा सा आराम करके उठ गए हैं और जा रहे हैं अपना साड़ी चेंज करने, क्योंकि बहुत तेज़ी से गर्मी हो रहा है। अब साड़ी चेंज करेंगे और आज का हमारी पूजा का वीडियो। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।